जानवरों की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में कलमना पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 28 भैंसों को रिहा किया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार कलमना पुलिस जिस दरमियान पेट्रोलिंग कर रही थी, तब भरत नगर से चीकली चौक की ओर जा रहे एक ट्रक ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया। ये दृश्य जैसे ही पुलिस ने देखा वैसे ही तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को रोका और आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जब ट्रक को खोला गया तब उसमें भैंस दिखाई दिए, जिससे उनकी तस्करी होने की बात सामने आई। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद पाटिल ने अधिक जानकारी साझा की। आमचे डीबीचे अमलदार अजय गर्जे, दीपक धानोरकर, सचिन दुबे, अभय साखरे हे पेट्रोलिंग करत असताना एक 6 चाकी कंटेनर हा भरतनगर चौकाकडनं चिखली चौकाकडे येताना दिसला। त्यात पोलिसांना पाहून तो लगेच जास्त स्पीडमध्ये घेतला त्या कंटेनरने। त्यांनी त्याला आळवलं, थांबवलं, पाहिलं तर त्यात जवळपास 28 या म्हैसवर्गीय जनावरं होते। त्यांना ताब्यात घेतलं। त्या चालकाचं नाव सलाउद्दीन अन्सारी असं होतं, त्यालाही ताब्यात घेतलं। नंतर ते एका पांजरा पोळी तिथे म्हशींना वगैरे पाठवलं कंटेनर, आणि जवळपास 28 म्हशी आपल्या ताब्यात आहेत। त्यांच्यावर प्राण्यांना निर्ततेने वागवणे या अधिनियमान्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे। सदरची कारवाई हे माननीय पोलीस आयुक्त नागपूर CP सर अमितेश कुमार सर, तसंच उत्तर प्रभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्री नवीनचंद्र रेड्डी सर, तसेच DCP उमेश कलवाने सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ट्रक चालक सलाउद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के चंगुल से 28 भैंसों को रिहा किया। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा BCN न्यूज नागपुर।